आज मैं आपके सामने नरेंद्र मोदी सरकार के नापाक इरादों को पर्दाफाश करूंगा, नरेंद्र मोदी सरकार के साम दाम दंड भेद की नीति का पर्दाफाश करूंगा, नरेंद्र मोदी जी किस तरह से अपनी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोकतंत्र का गला घोटकर संविधान की मर्यादा को तार तार करके दिल्ली की सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं, इसका एक एक करके खुलासा करूंगा। जो प्रयास उन्होंने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर किया, जो प्रयास सीबीआई का इस्तेमाल करके फर्जी मुकदमा लिख के मनीष सिसोदिया को तोड़ने का किया, वो प्रयास अब दिल्ली के विधायकों के ऊपर शुरू हो गया है। दिल्ली के विधायकों को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। दिल्ली के विधायकों को मोदी जी अपने जांच एजेंसियों की धमकी दिलवाकर, अपने लोगों को भेजकर, पैसे का ऑफर करके, धमका के, डरा के तोड़ने का और दिल्ली सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी, मैं कहना चाहता हूं आपसे, शर्मानी चाहिए आपको। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए काम कर रहे हैं, एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था देने के काम कर रहे हैं, एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जो दिल्ली के लोगों को फरिश्ते योजना के तहत उनको अच्छा इलाज देने का काम कर रहे हैं, एक तरफ दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली दे के गरीब के घर में रोशनी करने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो दिल्ली के लोगों को निशुल्क जल की व्यवस्था कर रहे हैं, माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा कर रहे हैं और हमारे बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा निशुल्क अच्छे इंतजाम के साथ कर रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जो मिशन चला रहे हैं पूरे देश में कि भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है, नंबर वन देश। एक तरफ अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने 3 बार आपको मोदी जी दिल्ली के अंदर हराया और पंजाब में प्रचंड बहुमत से जीतने के बाद गुजरात पहुंचते और कहते हैं हम निःशुल्क जहां पर भी वो सेवाएं देंगे जो हमने दिल्ली में दिया पंजाब में दिया, निःशुल्क बिजली देंगे, शहीदों की शहादत पर उनके परिवार को 1 करोड़ की सम्मान राशि देंगे, निःशुल्क स्वास्थ्य की व्यवस्था देंगे, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था देंगे। केजरीवाल को चिंता है देश की, केजरीवाल को चिंता है दिल्ली की, नरेंद्र मोदी जी आपको चिंता है विधायकों को तोड़ने की, आपको चिंता है सीबीआई के मुकदमे दर्ज करवाने की, आपको चिंता है ईडी के मुकदमे दर्ज कराने की, आपको चिंता है एक अच्छे शिक्षा मंत्री पर छापे मरवाने की, आपको चिंता है अरविंद केजरीवाल के शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को बदनाम करने की, आपको चिंता है अपने मित्रों को लाखों करोड़ रुपए बैंकों का कर्जा माफ करने की, आपको चिंता है 5 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपति मित्रों का टैक्स माफ करने की, आपको चिंता है हिंदुस्तान की 6.5 लाख करोड़ की संपत्तियां बेचने की, आप रेल बेच रहे हो, आप सेल बेच रहे हो, आप कोल बेच रहे हो, आप एयर इंडिया बेच रहे हो, आप पोर्ट बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, LIC बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, BPCL बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, स्टेडियम बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो, आपको देश बेचने की चिंता है, अरविंद केजरीवाल को देश बचाने की चिंता है।